स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूजफुल रहेंगे एमएसबीटी डिप्लोमा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ रेडियस वेक्टर ऑफ 90 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 3 रेडियंस इन 3 सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप। तो इसमें क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कल में मूव हो रहा है। तो इसके लिए पूछा गया है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रोटेशनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है, ठीक है, एक सर्कल में मूव हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है, आपको दिया गया है कि रेडियस वेक्टर, यानी कि आपको दिया गया है कि रेडियस वेक्टर जो है ये सर्कल में मूव हो रहा है, और इस रेडियस वेक्टर की आपको रोटेशनल वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, ये रेडियस वेक्टर जो है इसकी वेलोसिटी जो रहेगी ये सेम रहेगी, रोटेशनल वेलोसिटी। तो ये हमको फाइंड करनी है। तो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये घड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से लेकर 3 सेकेंड में। हमको दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, ये जो हमारा रेडियस है, देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है ये पाई बाय 3 रेडियन एंगल बना रहा है। हमको पूछा गया है कि डब्लू फाइंड कर रहे हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। हम रोटेशनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो रोटेशनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम एंगल रेडियन में निकालेंगे और उसको हमको टाइम में डिवाइड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एंगल हमारा आया हुआ है देट इज पाई ओवर 3 रेडियन, और टाइम हमको दिया गया है देट इज 3 सेकेंड। तो ये देखिए पाई बाय 3/3 आएगा। तो ये हमारा आंसर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पाई ओवर 9 रेडियंस पर सेकेंड है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट्स, ये आंसर है पाई ओवर 3 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये पाई बाय 9 रेडियंस पर सेकेंड है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हमने W फाइंड कर लिया है, रोटेशनल वेलोसिटी। अब हमको पूछा गया है कि आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है टिप की। तो देखिए, जैसे ये निडल हम देख रहे हैं, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है गिवन टाइम में, ये ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो हमको पूछा गया है कि यहाँ की जो पॉइंट है टिप वाली की, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, हमको पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि लीनियर वेलोसिटी कितना है टिप का। तो ये जो टिप है इसका लीनियर वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जैसे मैंने बताया हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो टिप वाला पॉइंट जो है ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव होता है, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए, जो टिप वाले की हम वेलोसिटी निकालने जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टिप वाले की वेलोसिटी देखिए, रेडियस और डब्लू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो W हमने निकाल रखा हुआ है पाई बाय 9। अब रेडियस हमको दिया गया है 90 सेंटीमीटर। तो अगर 90 को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 90 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, 90 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और W हमारा यहाँ पर है पाई बाय 9। अब देखिए, ये हमारा यहाँ पर 0 कट गया, ये 9 हमारा कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है पाई बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहेगा फ्रेंड, यहाँ पर रहेगा ये पाई बाय 10 रहेगा मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको हम और सिंपल तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कैंसी का यूज कर सकते हैं। तो आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.14, आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर 3.14, और इसको आप डिवाइड कीजिए 10 से। तो देखिए, आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.314 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। तो हमने टिप की वेलोसिटी निकाली, और वो रेडियस वेक्टर की हमने क्या निकाली हुई है,
रोटेशनल वेलोसिटी भी निकाली हुई है एंगल और टाइम को डिवाइड करके। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, बॉडी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एट 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर इज फाउंड टू बी रोटेटिंग एट 90 रेडियंस पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड, डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल टर्न ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यहाँ पर दिया गया है कि बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है, क्या रेट से रोटेट हो रही है, 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि बॉडी जो है, देखिए ये आपकी बॉडी है और ये रोटेट हो रही है, एक रेट से रोटेट हो रही है और ये रेट आपको दिया गया है 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर दिया गया है ये देखिए 90 रेडियंस पर सेकेंड, मतलब इसकी डब्ल्यू जो है 90 रेडियंस पर सेकेंड है 12 सेकेंड। अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है तो अगर देखिए मैं यहाँ पर ये स्टार्ट करता हूँ तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो में इसकी जो रोटेशनल स्पीड रहेगी ये हमको फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कीजिए। और यहाँ पर आपको साफ दिया गया है कि 12 सेकेंड के बाद, मान लो 12 सेकेंड अगर होता है, ये देखिए अगर ये 12 सेकेंड होता है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो आपको दी गई है वो कितनी है 90 रेडियंस पर सेकेंड, 90 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में हमको ये पूछा गया है कि डब्ल्यू जीरो हमको फाइंड करना है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमको पूछा गया है कि ये कितना एंगल कवर हुआ है ये भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमको मालूम है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए ये एक्सेलरेटिंग हो रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब जो इसका अल्फा है ये कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेट हो रहा है 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका अल्फा कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा जो है, अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये अल्फा इसका कांस्टेंट है 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इनिशियल फाइंड करना है, यानी कि डब्ल्यू जीरो फाइंड करना है। तो डब्ल्यू जीरो का फ्रेंड देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू टी, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा अल्फा इंटू टी। तो फाइनल हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है दैट इज 90 रेडियंस पर सेकेंड, हम डब्ल्यू को देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे 90, अल्फा हमने लिख रखा हुआ है 5, और टाइम देखिए हमको टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 12 सेकेंड, तो टाइम आपको हमको दिया गया है दैट इज 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जो रहेगी ये दी गई है 90 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। हमको फाइंड करना है इस प्रॉब्लम के अंदर अब डब्ल्यू जीरो, तो आप देखिए 90 5 माइनस 12 के 5 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा आपका 60 रहेगा, तो 90 माइनस 60 आपका आएगा यहाँ पर 30 रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है ये देखिए फ्रेंड्स ये 30 रेडियंस पर सेकेंड है। इस तरह से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल रखी है दैट इज 30 रेडियंस पर सेकेंड। अब हमको नेक्स्ट पार्ट में हमको पूछा गया है कि ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर हमको पूछा गया है कि आप एंगल फाइंड करो, तो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस में देखिए हमको एंगल भी मिलता है, तो हम लगाएंगे सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो डब्ल्यू जीरो की वैल्यू हमारे पास आई हुई है यहाँ पर ये 30 है, और हमारा टाइम कितना है यहाँ पर 12 सेकेंड है, देखिए टाइम हमारा यहाँ पर 12 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम इसको 12 लिखेंगे 30 × 12 प्लस हाफ, ये अल्फा भी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए ये अल्फा की वैल्यू हमने निकाल रखी हुई है 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, और 5 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी 12 से, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दैट इज 12 स्क्वायर से,
यानी कि ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आप देखिए जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे तो 30 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा 30 और ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा 360 प्लस 5/2, और ये 12 स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 144। तो आप देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा 360 आ जाएगा, और ये आप देखिए, आप फ्रेंड्स आप ये कैलसी में कर सकते हो, 5 × 144 इक्वल टू कीजिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आपका 360 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 360 प्लस 360 देखिए, आप इसको कैलसी में करेंगे ये 720 आपका आएगा, और इसकी यूनिट जो रहेगी ये रेडियंस रहेगी। तो इस तरह से हमने एंगल भी निकाला हुआ है रेडियन के अंदर। तो ये सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ पर ये एंगल फाइंड किया हुआ है 720 रेडियन, सेकेंड पार्ट में हमने ये एंगल फाइंड किया हुआ है, दैट इज 720 रेडियन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द लीनियर स्पीड ऑफ एंड सिटिंग एट द टिप। इस प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया गया है कि सेकेंड हैंड निडल जो है, देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया गया है कि सेकेंड हैंड का क्लॉक जो है इसकी रेडियस हमको दी गई है। तो इसके अंदर इसकी रेडियस हमको दी गई है फ्रेंड, देखिए ये 6 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है कि एक एंड जो है ये टिप पे बैठा हुआ है, मान लो ये एंड टिप में बैठा हुआ है, तो हमको क्या पूछा गया है कि आप इसकी स्पीड निकालिए, इसकी स्पीड कितनी है टेंजेंशियल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये रोटेट हो रहा है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में, W में, राइट। तो हम इसकी स्पीड का इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था, ये जो टेंजेंशियल स्पीड है उसका इक्वेशन जो रहेगा, देखिए ये यहाँ पर रहेगा, दैट इज आर डॉट ओमेगा। अगर हम डब्ल्यू जानते हैं तो हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज आर डॉट ओमेगा। आर हमारे पास ये है, यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 / 100 × W। अब W देखिए ये सेकेंड हैंडल के लिए कितना आता है, ये सेकेंड हैंडल के लिए W देखिए, ये पूरा एंगल जब वो करता है तब ये 2π आ जाएगा, तो पूरा एंगल करने के लिए इसको 60 सेकेंड लगेगा। तो इस तरह से हम लोग W निकाल सकते हैं, दैट इज θ/T। आप जानते हैं W का जो फॉर्मूला है वो θ/T है, तो पूरा एंगल करने को उसको टाइम जो लगता है ये 60 सेकेंड है, और पूरा एंगल मतलब ये 2π रहेगा। अब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इसका आप कर सकते हो। देखिए जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, 6 × 2 = 12π / 60 × 100। तो अगर हम 60 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारा यहाँ पर आएगा 6000, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 1000 आएगा यहाँ पर, 2 × 1 = 2, 5 × 10, दैट इज 500। तो ये देखिए ये π/500 m/s। तो जो हैंड की जो वेलोसिटी रहेगी ये देखिए ये रहेगी π/500 m/s। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं, दैट इज 3.14 / 500। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो कैल्सियम है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी रहेगी एंड की वो आएगी 6.28 × 10⁻³ - 3 m/s। तो इस तरह से हमने ये लीनियर वेलोसिटी निकाली हुई है, दैट इज टिप की, जो एंड टिप पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो हमने निकाली हुई है 6.28 × 10⁻³ - 3 m/s। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें पूछा गया है अ पॉइंट ऑन द व्हील हैज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 rads/s, द एंगल टर्न थ्रू द इन 15 सेकेंड। तो हमको फाइंड करना है कि कितनी एंगल टर्न। तो देखिए इसके अंदर एक व्हील है, और ये व्हील जो है ये रोटेट हो रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से,
ये व्हील जो है ये रोटेट हो रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से 3 रेडियंस पर सेकेंड, और हमको फाइंड करना है कि कितना एंगल कवर हुआ है 15 सेकेंड में। तो ये कितना एंगल कवर कर रहा है ये हमको फाइंड करना है 15 सेकेंड में। तो कितना एंगल कवर हुआ है, तो ये एंगल हमको निकालना है 15 सेकेंड में। यहाँ पर देखिए जब हम घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको फाइंड करना है कि 15 सेकेंड में ये कितना एंगल कवर हुआ, ठीक है। तो देखिए ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर आप W निकालते हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज एंगल अपॉन टाइम, राइट। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी सेम फॉर्मूला रहेगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंट है इसके लिए हम W को लिख सकते हैं दैट इज थीटा अपॉन टी, इट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमको एंगल निकालना है, और हमको यहाँ पर एंगल निकालना है इन 15 सेकेंड, तो हमको थीटा फाइंड करना है 15 सेकेंड में। तो थीटा के लिए हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है W इंटू टी। तो देखिए W हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है दैट इज 3 रेडियंस पर सेकेंड, तो 3 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, और आप जानते हो इसकी यूनिट हमको दी हुई है रेडियंस पर सेकेंड, और इसकी यूनिट सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगी तो ये रेडियन में आएगा। आप देखिए अभी 15 इंटू 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये 45 रेडियंस आया होगा, तो इसका मतलब थीटा जो है यहाँ पर आपको ये 45 रेडियंस में आ रहा है, मतलब ये 45 रेडियंस एंगल कवर हो रहा है, ये जो है ये 45 रेडियन एंगल कवर हो रहा है 15 सेकेंड में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि व्हील एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है कि व्हील जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, व्हील जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और ये देखिए ये व्हील जो है ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और जब हम घड़ी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जब हम घड़ी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे राइट, और 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड जब घड़ी के अंदर 20 सेकेंड हुआ रहेगा, तब इसकी देखिए W0 इसका 0 रहेगा, और हमको W दिया गया है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड मिनट में, तो W की यूनिट आप जानते हो रेडियंस पर सेकेंड है। तो हम ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये W को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियंस पर सेकेंड में, तो 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब राउंड 2000 राउंड, तो वन राउंड कितना एंगल होता है, 2π होता है, और वन मिनट मतलब पर मिनट है, वन मिनट में कितने सेकेंड है, ये देखिए ये 60 सेकेंड है, तो ये रेडियंस पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको हम आगे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 1 1 2 3 6, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 200π/3। तो W देखिए फ्रेंड ये हमारा आ चुका है 200π/3 रेडियंस पर सेकेंड। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे W-W0/T, और W यहाँ पर दिया गया है हमको 200π/3, 200π/3, और ये -0 दिया गया है, रेस से स्टार्ट हो रहा है, और हमको यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कितने टाइम में ये हो रहा है, ये देखिए ये टाइम 20 सेकेंड में हो रहा है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए ये कैंसिल हो गया है 2 1 1, इट इज 10 आ रहा है, तो 10π/3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आप अल्फा की यूनिट देखिए, अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 10π/3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम चाहते हैं तो हम पाई की वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज 3.14,
3.14 डिवाइड बाय 3। आप देखिए ये आंसर हमारा फाइनल कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इक्वल टू डिवाइड बाय 3, ये हमारा आंसर आएगा 10.46। देखिए हम अल्फा को लिख सकते हैं यहाँ पर, ये अल्फा को हम लिख सकते हैं दैट इज योर ईयर 10.47 राउंड अप करके। ये हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने अल्फा निकाला हुआ है और इसकी यूनिट जो रहेगी, आप देखिए इसकी यूनिट जो लगेगी अल्फा की वो रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम अल्फा की यूनिट भी लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है रेडियंस पर सेकेंड में। तो अगर हम एक पूरा सर्कल लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स अगर हम एक पूरा सर्कल लेते हैं तो ये 1 रेवोल्यूशन हो जाता है, राइट। तो 1 रेवोल्यूशन जो है ये रेडियन में हमारा 2π हो जाता है। तो अगर हम पूरा सर्कल लेते हैं तो ये 1 पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है ये हमारा यहाँ पर 2π हो जाता है। तो हमको निकालना है रेडियंस पर सेकेंड में, तो ये W की यूनिट है। तो देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमको निकालना है इसको रेडियंस पर सेकेंड में। एक रेवोल्यूशन जो रहता है देखिए फ्रेंड्स, 1 रेवोल्यूशन जो रहता है ये 2π रेडियन है, और 1 मिनट जो है देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 60 सेकेंड है। आप देखिए ये 60 60 हमारा कैंसिल हो गया है, ये फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा W जो हमने निकाला हुआ है इसको 2π रेडियंस पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने W निकाल रखा हुआ है, दैट इज रेडियंस पर सेकेंड में। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।